नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2022 का छठा मुकाबला खेला जाएगा 30 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम मुंबई के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम मुंबई की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम के पिच को ध्यान में रखते हुए इस मुकाबले में कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के इस छठे मुकाबले के लिए डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो इस मैदान पर जो लास्ट 8 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र एक मुकाबला जीता है, जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यानी कि चेजिंग साइड ने 7 मैचेस जीते हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 151 रन रहा है। तो दोस्तों, आप इस स्टैट से देख सकते हो कि ये भी एक चेजिंग ग्राउंड है और चेज करने वाली टीम को ज्यादा फेवर करता है। और इनफैक्ट यहां पर चेज करते हुए टीम्स ने लगभग सभी मुकाबले जीते हैं। मात्र एक मुकाबला ही पिछले 8 मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है। तो इस मुकाबले में भी मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो चेज करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर सेकंड इनिंग्स में ड्यू आने की भी संभावना है। तो जब ड्यू आएगी तब बल्लेबाजी जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, ऐसे में गेंदबाजी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम पर जो पहला मुकाबला खेला गया था आईपीएल 2022 का आरसीबी और पीबीकेएस के बीच में, वहां पर हमने देखा था कि कितना ज्यादा हाई स्कोरिंग वो मुकाबला हुआ था और चेस करते हुए पीबीकेएस की टीम ने आसानी से वो मुकाबला जीत लिया था। तो बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस तो आपको इस पूरे मैच के दौरान ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, लेकिन चेजिंग टीम को एडवांटेज होगा और इसलिए जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको काफी बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा अगर उन्हें ये मुकाबला जीतना है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर इस मैदान के कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर ले, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है पिछले 8 आईपीएल मैचेस में, वो आईपीएल 2022 के पहले ही मुकाबले में बना था, जो कि पंजाब किंग्स की टीम ने बनाया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 208 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए लोएस्ट स्कोर की, तो वो बना है आरसीबी के खिलाफ डेक्कन चार्जर्स की टीम ने बनाया था 82 ऑल आउट। इसके अलावा जो हाईएस्ट स्कोर चेस हुआ है वो भी आईपीएल 2022 के पहले ही मुकाबले में हुआ था, जो कि पंजाब किंग्स की टीम ने किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 208 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए लोएस्ट टोटल डिफेंड की, तो वो किया है डेक्कन चार्जर्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 142 रन 7 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मैदान के स्कोरिंग पैटर्न की, तो लास्ट 8 आईपीएल मैचेस में 150 से नीचे स्कोर 5 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने एक बार स्कोर किया है। इसके अलावा 170 से 189 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर किया, जबकि 190 के ऊपर स्कोर भी आपको एक बार देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, ये लास्ट 8 आईपीएल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है, लेकिन जो पहला मुकाबला आईपीएल 2022 का इस मैदान पर खेला गया था, वहां पर हमने देखा था कि कितनी ज्यादा शानदार बैटिंग पिच थी वो और दोनों टीमों ने 200 के ऊपर स्कोर लगाए थे। तो इस मुकाबले में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 180 प्लस स्कोर इस मैदान पर आपको लगाते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम मुंबई के मैदान पर आईपीएल में कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 8 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें, तो फर्स्ट इनिंग्स में टोटल 53 विकेट्स गिरे हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में 37 विकेट्स गिरे हैं, यानी कि कुल मिलाकर पिछले 8 आईपीएल मैचेस में 90 विकेट्स गिर चुके हैं और ज्यादा विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में गिरते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेला गया था, वहां पर फर्स्ट इनिंग्स में मात्र 2 ही विकेट गिरे थे और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट गिरे थे और आपको वो मुकाबला पूरी तरीके से बैटिंग फेवर्ड पिच नजर आई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का कंपैरिजन करें, तो इस मैदान पर पिछले 8 आईपीएल मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने 44 विकेट्स लिए हैं, जबकि स्पिनर्स को 34 विकेट्स लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो आंकड़ा है वो आपको बता रहा है कि इस पिच पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए हेल्प रहती है, लेकिन पिछला मुकाबला अगर देखा जाए तो वो एक एक्सेप्शन था, जहां पर
पर आपको पूरे मैच में ना फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्प देखने को मिली थी और ना ही स्पिनर्स के लिए, पूरी तरीके से वो बैटिंग पिच साबित हुई थी। लेकिन ट्रेडिशनली ये देखा जाता है कि DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी स्टेडियम मुंबई के पिच पर शुरुआत में यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में 6 से 8 ओवर्स यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, गेंद स्विंग भी होती है। इसलिए दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पर तेज़ गेंदबाज ज़्यादा कारगर साबित होते हैं और आपको इस मुकाबले में भी ऐसा नज़र आ सकता है क्योंकि दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं। इसके अलावा सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, जैसे कि राइट आर्म लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स। इसलिए दोस्तों मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फैंटसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को रखना है, लेकिन एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा के साथ आप जा सकते हैं और 3-2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जहां पर 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं IPL 2022 के इस छठे मुकाबले के लिए RCB और KKR दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो RCB की टीम को IPL 2022 के अपने पहले मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोस्तों RCB की टीम ये मुकाबला जीतकर शानदार वापसी करना चाहेगी, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला है क्योंकि सामने KKR की टीम है जिसने अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम को हराया था। लेकिन दोस्तों अगर इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो RCB की टीम को इस मुकाबले में भी अपनी प्लेइंग 11 बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि इनके 3 मेन ओवरसीज प्लेयर्स इस मुकाबले में भी अवेलेबल नहीं होंगे, जिसमें शामिल है ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्ज हेजलवुड और जेसन बैरनडॉर्फ। तो इनके बगैर ही यहां पर प्लेइंग 11 बनानी होगी। इसके अलावा दोस्तों पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 से इस मैच की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि आपको महिपाल लोमरोर इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं आकाशदीप की जगह, हालांकि इसके चांसेस कम है। इसके अलावा दोस्तों फिन एलन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं शरफिन रदरफोर्ड की जगह, तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन मुकाबला खेलेगा। ऐसे में आपको RCB की प्लेइंग 11 इस प्रकार की नजर आ सकती है, जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे फैफ डुप्लेसी जो कि कैप्टन है, उनके साथ अनुज रावत। इसके अलावा नंबर 3 पर आ सकते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर शरफीन रदरफोर्ड या फिर फिल एलन, नंबर 5 पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 6 पर शाहबाज अहमद, नंबर 7 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर डेविड विली, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर आकाशदीप खेल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो KKR की टीम ने IPL 2022 की शानदार शुरुआत करी है, जहां पर उन्होंने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है और इस जीत के बाद उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा और इस विनिंग मोमेंटम के साथ मुझे नहीं लगता कि KKR का टीम मैनेजमेंट कोई छेड़छाड़ करना चाहेगा और आपको KKR की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में अनचेंज्ड नजर आ सकती है, जहां पर आपको इनके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर नीतीश राणा, नंबर 5 पर सैम बिलिंग्स, नंबर 6 पर आंद्रे रसल, नंबर 7 पर सुनील नारायण, नंबर 8 पर विकेट कीपर शेल्डन जैक्सन, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर शिवम मावी और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 RCB और KKR की टीम की तरफ से इस मुकाबले में नजर आ सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं IPL 2022 के इस छठे मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो RCB और KKR के बीच अभी तक IPL हिस्ट्री में टोटल 30 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 13 मैचेस जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपको क्लियर बता रहा है कि KKR का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर। इसके अलावा अगर हम लास्ट 10 हेड टू हेड मैचेस की बात कर लें तो यहां पर भी KKR का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, KKR की टीम ने 6 मैचेस जीते हैं जबकि RCB की टीम मात्र 4 मैचेस ही जीत पाई है। लेकिन अगर हम लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेंगे तो यहां पर RCB की टीम को थोड़ा सा एज हासिल है, RCB की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि KKR की टीम 2 मैचेस ही जीत पाई है। इसके अलावा IPL 2021 में इन दोनों टीमों का आमना सामना 3 बार हुआ था, जहां पर KKR की टीम ने 2 मैच जीते थे जबकि RCB की टीम मात्र 1 मैच ही जीत पाई थी। इसके अलावा अगर हम इन दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात कर लें जो कि IPL में चल रही है, तो KKR की टीम ने अपने पिछले 5 IPL मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं और मात्र 1 मुकाबला ही हारा है। वहीं पर RCB की टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से मात्र 2 मुकाबले ही जीते हैं और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो जाहिर है कि जो रीसेंट फॉर्म है वो KKR की बेहतरीन है और जिस तरीके से उन्होंने IPL 2022 की शुरुआत करी है धमाकेदार अंदाज में, तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टैट्स के मामले में तो मुझे लगता है कि KKR की टीम जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रही है RCB के ऊपर, लेकिन दोस्तों ये मुकाबला जो है वो आपको एक करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और दोनों के पास कुछ बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो कि एक धमाकेदार और क्लोज मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि KKR का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको इनको अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप RCB की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल की जगह फैफ डुप्लेसी को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो क्योंकि फैफ डुप्लेसी IPL के पिछले कुछ सीजन से लगातार कंसिस्टेंटली
रन बना रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा आप विराट कोहली को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी, पिछले 10 मैचेस में 283 रन स्कोर किए हैं 31.44 के बैटिंग एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा केकेआर की तरफ से आप वेंकटेश अय्यर को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 345 रन स्कोर किए हैं 34.50 के बैटिंग एवरेज और 124.54 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप नीतीश राणा को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, लेकिन अगर आप नीतीश राणा के साथ नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप श्रेयस अय्यर को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर की इस समय गोल्डन फॉर्म चल रही है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे फिर आपने आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला तो देखा ही था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर ले गेंदबाजों की और उसमें से अगर हम सबसे पहले आरसीबी की तरफ से बात कर लें तो यहां से आप हर्षल पटेल को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 16 विकेट चटकाए हैं 8 के इकॉनमी और 13.62 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप मोहम्मद सिराज को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं 7.42 की इकॉनमी और 28.28 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप केकेआर की तरफ से सुनील नारायण को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर बनाना। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट चटका चुके हैं 6.10 की बेहतरीन इकॉनमी और 18.46 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप वरुण चक्रवर्ती को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 9 विकेट चटकाए हैं 5.97 की आउटस्टैंडिंग इकॉनमी और 26.66 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो दोस्तों ये कुछ बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको इनको अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के इस छठे मुकाबले की विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों जो ओवरऑल स्टैट्स हैं इसके अलावा जो रीसेंट फॉर्म है वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि केकेआर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आरसीबी के ऊपर। और जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना होता है आईपीएल में तो हमेशा कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है, या तो हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनता है या तो लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनता है। तो हमेशा ही मतलब एक एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिलता है और इस मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर विन प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि केकेआर का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है और मैं यहां पर एज देना चाहूंगा केकेआर को। इसलिए दोस्तों मेरी इस मुकाबले की जो विन प्रेडिक्शन है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम आईपीएल 2022 का ये छठा मुकाबला जीतने वाली है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।